नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले टेक न्यूज और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल इंडियन टेक जुगाड़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल इंडियन टेक जुगाड़ में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कि क्या हमें जियो का समर सरप्राइज ऑफर आज मिल रहा है, कि अगर हम आज 99 रुपीज का या उससे ऊपर 303 वाला या 499 वाला प्लान एक्टिवेट करा लेते हैं, रिचार्ज हमारा हो जाता है, तो क्या हमें जियो का समर सरप्राइज ऑफर मिल रहा है। कई लोगों की शिकायत आ रही है कि सर हमें केवल 28 डेज का वैलिडिटी दिखाया जा रहा है। जो मैसेज हमारे पास आया है उसमें केवल हमको जो दिखाया जा रहा है वो 28 डेज का वैलिडिटी दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं यही आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं कि हाँ, आज जियो का समर सरप्राइज ऑफर मिल रहा है और 20 डेज का वैलिडिटी दिखाया जा रहा है, उसके बाद में आपको क्या देखना है और कैसे क्या चेक करना है कि आपको जो अभी समर सरप्राइज ऑफर है वो मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड, जियो से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे, कल ट्राई ने जियो को एक नोटिस जारी कर दिया था जिसमें जो जियो का अभी तक फ्री ऑफर चल रहा था उसको बंद करने के लिए कहा गया था। सो फ्रेंड्स, कोई भी जो ऑपरेटर होता है वो फ्री का जो प्लान रहता है, फ्री वाला प्लान, उसको 90 डेज से ज्यादा के लिए नहीं दे सकता अपने सब्सक्राइबर्स को या अपने कस्टमर्स को। लेकिन जियो ने जो 90 डेज वाला प्लान है वो कई बार अपने सब्सक्राइबर को दिया, यानी कि जो जियो अपनी लिमिट था वो क्रॉस कर चुका था। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि जो इनका प्रिंसिपल है, सबसे ऊपर है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर, तो उसने भी कई बार जियो को कहा, लेकिन इस बार जियो को सख्त हिदायत दे दी गई कि बस बहुत हो चुका है, अब आप ये जो आपका फ्री वाला ऑफर चल रहा है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि बाकी जो ऑपरेटर्स थे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सभी का काफी ज्यादा दबाव बन रहा था पिछले दिनों से ट्राई पर। सो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये आ रही कि कुछ लोग ऐसे थे जो जियो समर सरप्राइज ऑफर लेना चाहते थे लेकिन वो किसी वजह से नहीं ले पाए। तो जियो ने इसलिए कुछ दिन का समय मांगा है। अब अगर आप जियो का वेबसाइट चेक करें या माई जियो ऐप चेक करें तो वहां पर बिल्कुल आपको क्लियरली लिखा मिल जाएगा कि आप अभी कुछ दिन तक और कर सकते हैं। ये क्लियर नहीं दिया है कि जियो ने कि आज या कल या परसों, मतलब कितने दिन है, लेकिन अभी फिलहाल बात की जाए तो ये ऑफर फ्रेंड्स मिल रहा है। आप देख सकते हैं, मैंने अभी रिचार्ज किया है और कुछ समय पहले, और मेरे को जो SMS आया उसमें 28 डेज के बारे में बताया गया था, लेकिन जब मैं अपना MyJio ऐप चेक करता हूं तो मुझे वहां पर 28 डेज प्लस में 90 डेज का प्लान दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको वो बिल्कुल दिखाने वाला हूं, यानी कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहे और आज रिचार्ज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल मिलने ही वाला है समर सरप्राइज ऑफर अगर आप आज रिचार्ज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, माई जियो ऐप में जाने के बाद ऊपर 3 बार्स पर आप क्लिक करेंगे, फिर माई प्लान्स में जाएंगे। माई प्लान्स में देखिए, यहाँ पर करंट प्लान आपको मिलेगा जो कि आपका अभी आपका चल रहा है 15th of April को। उसके नीचे जो आपने रिचार्ज किया अपकमिंग प्लान्स पे, वो आपको मिलने वाला है, कि जैसे मैंने 499 किया है तो वो आपको मिलने वाला है 28 डेज के लिए। फिर उसके नीचे एक और प्लान आपको मिलने वाला है जो कि 90 डेज के लिए होगा। सो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज अगर आप जियो का रिचार्ज कर लेते हैं 303 वाला या 499 वाला, तो बिल्कुल आप जियो के समर सरप्राइज ऑफर के लिए एलिजिबल है। आप जल्दी से जल्दी जियो का समर सरप्राइज ऑफर लेने के लिए 303 वाला प्लान या जो आप 499 वाला प्लान, जो भी आप लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी रिचार्ज कर लीजिए। क्या पता जियो कब इस समर सरप्राइज ऑफर की जो डेट है इसको बंद कर दे और उसके बाद आप जियो का समर सरप्राइज ऑफर ना ले पाए। तो फ्रेंड्स, अभी जल्दी से जल्दी आप रिचार्ज कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।